तो गाइस अभी ये देखो भाई, ये है अभी पूरी साड़ी, छोटी बहन का बड़ी बहन के लिए प्यार। मेरे लाल जियो, मेरे लाल ऐसे प्यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में मजे से होंगे। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के बज गया 9 और इधर भाई चेशी हो गया भी रेडी। आज जा रही है स्कूल, कितने दिनों के बाद स्कूल जाना हो रहा है बेटा। मजे आएंगे घर पर, मजे आते तो स्कूल में मजे आएंगे। स्कूल में मजे आएंगे तो भाई पूरा एंजॉय करती है अभी स्कूल के अंदर भी। और चेशी और जानू को ये था कि कब स्कूल खुलेंगे तो भाई पूरा एंजॉय करते हैं अभी स्कूल के अंदर। तो भाई अभी चेशू का ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, चेशू को ब्रेकफास्ट कराते हैं और फिर चेशू और जानू दोनों को स्कूल छोड़ कर आते हैं। तब हम स्कूल का काम हो जाता है, तब हम ना मस्ती करते, बातों घूमती रहती हूँ। स्कूल में घूमने जाती है, पहले हम का चार कॉपी का काम होता है। चार कॉपी का काम होता है, अच्छा। फिर हम की छुट्टी होती है, फिर हम लंच करते हैं, फिर हम घूमते रहते हैं। भाई स्कूल का जितना भी था ना सारा बता दिया कि भी ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग मेरा सारा यही बता दिया इसने कि भी स्कूल के अंदर ये करते हैं भाई। हम पार्क जाते हैं। तो गाइस अभी चेशू को ब्रेकफास्ट करा देते हैं, फिर चेशू और जानू को स्कूल छोड़ कर आएंगे। और भाई आज के व्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है, तो आप ना बने रहना और पूरा देखना व्लॉग भाई। और सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूँ, आप सभी ना व्लॉग देख तो रहे हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो यार। और आपके डेली के जो कमेंट्स हैं हम पढ़ते हैं, उनका जवाब देते हैं, तो अभी आप कमेंट करते जाया करो, बहुत ही मजा आने वाला आज के व्लॉग में। क्यों भी जैसे हाँ। और इधर भाई शिल्पा भी आ गया और उधर कान्हा जी को भोग लगाया जा रहा है भाई। और ये मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है भाई, तो आज भी ब्रेकफास्ट में है पनीर की सब्जी, हाँ राजमा और पनीर की सब्जी साथ में। दोनों ही सब्जी मेरी फेवरेट है। तो भाई इधर मेरा भी ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और चेशू और जानू को स्कूल छोड़ कर आते हैं अभी। तो भाई इधर मेरी चाय भी आ चुकी है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो भाई ये हमारी बैटी। तो इधर चाय भी आ चुकी है, तो अभी चाय भी पीते हैं और ब्रेकफास्ट में भी बहुत मजा आने वाला है भाई। तो गाइज अभी चेशू हो चुकी है रेडी भाई, तो अभी जा रहे हैं स्कूल, चले। तो गाइज इधर आ चुकी है भाई जानू, गुड मॉर्निंग, चले चलो। आज तो फिर स्कूल जा रही है। बाय। तो गाइज अभी मैं चेशू जानू को छोड़ रहा हूँ स्कूल और अभी घर पहुंच गया हूँ भाई। और इधर ये रही भाई शिल्पा, कौन सा क्या आया? अच्छा तो गाइस अभी कोरियर आ चुका अभी, और इधर ये रहा भी, तो इसमें मंगाया था अभी मैंने चेशू जानू के लिए साड़ी, तो अभी इसको भी अनरैपिंग करते हैं अभी। तो गाइस इधर आ चुकी है भाई चेशू और जानू की साड़ी, वही सेम टू सेम है भाई, और कलर हमने मंगाया था ये वाला, सुंदर है ना शिल्पा। तो अभी इधर आ चुकी है चेशू और जानू दोनों के लिए साड़ी, इसका भी ब्लाउज है। तो गाइस अभी ये देखो भाई, ये है भाई पूरी साड़ी, मस्त है और इस रेट में कुछ भी नहीं है अभी। तो आपको बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे, ये सिर्फ 325-300 रुपए की साड़ी मंगवाई है अभी हमने चारों, है भी यहाँ से भी नहीं मिलती। और पहली बार ऐसा है कि ऑनलाइन कपड़े बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई, नहीं तो कभी आज तक आए नहीं, है ना भी? मेरे तो सही आते थे, बच्चों के कभी मंगवाए भी नहीं, मंगवाए भी नहीं। जैसे जैसे सभी बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, अच्छे नहीं आते, उस बेस से भी बढ़िया आए अभी, बहुत अच्छे आए। तो भाई यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि कोई टुक तो नहीं है, सही है।
सारा देखेगी सही है। बाद में वापस नहीं लेते बोले ये पर्दा हटा दो सही है क्या बता दो देख में तो दो पूरी तहकीकात तो सही है। पूरी तहकीकात की जा रही है भाई ठीक है क्या डन 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 तो गाइस आप भी भारी लग रही है कलर में भी फर्क लग रहा है लग नहीं रहा थोड़ा थोड़ा तो होगा यार थोड़ा थोड़ा है थोड़ा थोड़ा कपड़े में भी फर्क हाँ, है ये गाइस अलग कलर है ये अलग कलर है ये देखो ये पतली पतली सी है वो थोड़ी सी भारी है ये हैवी है ये स्टफ सही है चलो कोई बात नहीं कौन सी एक दो बारी डालनी है सही है हाँ इनका शौक पूरा हो चुका हाँ तो गाइस कमेंट करके आप भी बता देना अभी कैसी लगी है। तो गाइस इधर हो गया भीड़ इकट्ठी कुछ लेते हैं नहीं ऐसे भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं कहाँ लिया दिखाओ दिखाओ लेके आओ जाओ लेके आओ लेके आओ जाओ लेके आओ दिखाओ धक्के की भीड़ इकट्ठी कर रहे हो लेना तेरे को लेना देख रहे जब पड़ता आगा ले लूंगी पड़ता आ गया आपने लेना सच में भाई सही 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 लगा के दे दे आज एक दो तीन चार चार सूट बिक जाएंगे सही लगा दो और क्या सही बात है ना सही सही लग जाएगा अब और गाइस इधर सूट देख लो भाई बहुत ही जबरदस्त वाले सूट है भाई वेलवेट के दो दो ले लो मैं ऑफर है ऑफर तो भाई देगा ना ऑफर तो ये ले आओ कहाँ है खा लिया था आगे ओ कौन ही लिए कौन ही धक्के से बताओ कौन ही लिए मेरे को क्या पता लिया या नहीं लिए दिवाओ आप मैं क्यों दिवाऊ गली के प्रधान आप हो मैं तो इसने दिवा दूं वही बहुत है दिवाओ दिवाओ दो और दिलवाओ दो तो लिए कौन ही और के दिलवाने दो ही दिलवा दो ले लिए क्या। तो गाइज अभी इधर चेशु जानू आ चुकी है अभी स्कूल से घर और इधर देखो भाई जानू खिला रही है चेशु को रोटी अरे मुंह के अंदर है उसकी अभी खिलाई जा रही है ठूसी जा रही है ठूसी जा रही है रोक रही है देखो गाइज छोटी बहन का बड़ी बहन के लिए प्यार ये तो खा नहीं सकती अपने आप हाँ, अपने आप नहीं खाती कभी भी रोटी और देखो तेरे को अच्छा वाह मेरे लाल जियो मेरे लाल ऐसे प्यार बना रहे तुम्हारा ऐसे प्यार बना रहे भाई स्कूल में भी ये खिलाती है नहीं और खुद खाती हूँ स्कूल में खुद खा लेती है स्कूल में कोई जादू होता है हैं जल्दी जल्दी खा लेती है आराम से खाती है जल्दी 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 खा लेती है स्कूल में डर होता था इसको हाँ सही बात है आपने छोटी सी रोटी बनाई थी इसलिए आज जल्दी खा ली जल्दी खा ली छोटी सी रोटी थी तो गाइस अभी बड़ी रोटी होती है ना रोटी नहीं खा के आती मैं सोचती हूँ चल थोड़ा सा लालच मारती हूँ भाई थोड़ी सी बड़ी रोटी बना दूँ आटा पेड़ा वो करके और ये खा के नहीं आती फिर और पतली सी रोटी लेके जाएगी वही खा के आती है छोटी सी चलो जो खाते है वही बना दिया अगर पेट थोड़ा भरता है उससे चलो अभी चेशु जानू ने खाना खा लिया अभी तो अभी चेशु जानू को छोड़कर आता हूँ उधर घर पर जानू वहाँ चेंज करेगी और फिर जाएगी ट्यूशन रेल बंद हो जाती है ये सही जब स्कूल स्कूल से ट्यूशन फिर आएगी बस थोड़ी देर खेलेगी फिर खाना खाया सो गया सही शेड्यूल है इनका भाई जब से स्कूल जाना शुरू करते हैं तब नहीं तो घर होते हैं तो ठाट होते हैं फोन सारा दिन फोन ठाट होते हैं इनके ठाट उस वक्त तो गाइस अभी चेशु और जानू को छोड़ने जा रहा हूँ भाई मैं ट्यूशन तो अभी भाई दूध लेने जा रही है क्या नहीं और डोलू की उठा रखा फिर घर ले जाऊंगी घर ले जाएगी तो भाई अभी चेशु और जानू को ट्यूशन छोड़ाते हैं तो चले चला। तो गाइस इधर दोपहर का लंच चल रहा है अभी अभी पनीर की सब्जी खा लिया अभी रोटी खा लिया अभी हमने और राजमा है अभी अभी यहाँ पर रात वाले तो ये अभी राजमा और शिल्पा ने भी खा लिया अभी अभी मुँह चल रहा है इसका वैसे स्वाद मुँह में ही अभी
और टाइम बता दूं गाइस, तो टाइम आप देख सकते हो क्या टाइम हुआ, 5:30 5:30 बज चुके और 5:30 बजे हमारा लंच चल रहा है भाई, है ना। बहुत बढ़िया वाला काम करते हम, है ना। रोटी तो जब बच्चे आए थे ना तो मैंने बना ली थी, पर मन नहीं था खाने का, भूख नहीं थी उस टाइम। अब ठंडी में बल्कि टेस्टी लग रही थी रोटी, है ना। सही बात है, रात की रोटी की छुट्टी, खिचड़ी बना दूंगी थोड़ी सी, ये भी ठीक है, ठीक नहीं। सही है, तो आज अभी खाना भी ना कर लेते हैं और उसके बाद भी काम है, काम करने हैं, फिर ना वीकली वन टाइम ना कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए, और कोई एक ऐसी जगह है जो एक्सप्लोर करेंगे, यानी हर हर वीक की एक वीडियो, क्योंकि ना काफ़ी जने बोल रहे हैं कि ना घर बैठे बैठे सारी वीडियो बनाते हो, कहीं बाहर भी जाया करो, कहीं बाहर भी जाया करो तुम, कहीं बाहर भी जाया करो। क्या सुर में गाया मैंने, वैसे लोग भाग जाएंगे सारे देख रहे। तो गाइस अभी खाना पीना कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लानिंग है आगे की, क्योंकि आप प्लानिंग बना दी भाई छोरी ने, चाय पियेंगे, जरूर पियेंगे। बनाओ, चलो खड़े हो, बनाऊं भी मैं, प्लानिंग तो बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन बनाई ऐसी है कि मुझ पर ही आ गिर रही है अभी, चाय मैं ही बनाऊंगा। फिर क्या होगा, मैं इतना काम करती हूँ, एक कप चाय नहीं पिला सकते। मैं चाय तो पिला सकता हूँ, लेकिन मन होना चाहिए चाय बनाने का भी। तो कई बार मेरा भी मन नहीं करता कि मैं ये काम करूँ। सही बात है, है ना। हमारी तो कभी छुट्टी होती नहीं। चलो चाय मैं बना लेता हूँ आज, ठीक है। और कुछ थैंक यू, फैन फैन खाओगे साथ में, पड़ा है एक, एक पड़ा है क्या आपके लिए, पड़ा है हमारे लिए, पड़ा है, ठीक है। गाइस तो चाय बनाते हैं फिर, आप तो खाते नहीं टाइम, मैं तो खाता ही नहीं, मेरे लिए पड़ा है। चलो सही है, तो गाइस इधर आ चुके अभी गर्मा गर्म चाय, और इधर ये रे भाई शिल्पा, चाय किसने बनाई है, मैंने बनाई है, आपने तो पिलाई नहीं। और इधर पापा भी आए हुए, पापा पी बैठे भाई हमसे पहले, कमाल करता है, गर्मा गर्म चाय पता नहीं कैसे पी लिया पापा ने, पापा तो फटाफट पी जाते हैं। अपने से पी जाती तुम जल्दी, पापा इतनी जल्दी चाय, नशा चाय का, चाय का। तो गाइस अभी चाय पी लेते हैं, और उधर पापा ले आए अभी चेशु जानू को भी, तो अभी इधर ये रे भाई चेशु जानू, पढ़ाई ट्यूशन, हाँ। आज फिर मजा आया, हाँ, हाँ। स्कूल में जाकर ट्यूशन पे जाकर हम की थोड़ी रियल बन जाते हैं। कपड़े उतारो, कपड़े पहनो, ट्यूशन जाओ, फिर घर आओ, खेलो, फोन चलाओ, ये ना फोन हाथ में चला रहे हो ना फोन, फिर खाना खाओ, सो। तो गाइज अभी चेशु जानू तो यहाँ पर, चेशु सो रही है अभी और जानू के हाथ में फोन है, चेशु वहाँ सो के फोन देख रही थी और जानू इधर बैठ कर फोन देख रही है अभी। तो अभी ना कहीं घूमने चलें क्या, चलोगे, हाँ। क्या खाने चलें, कुल्लड़ पिज्जा खाने, हाँ, हाँ। चले चलो, रोटी के लिए तो जैसी इतनी जोर से हाँ नहीं करती कभी भी। चलो पिज्जे के लिए तो फटाफट हाँ, इतना बड़ा हाँ निकलता है, रोटी के लिए कभी नहीं निकलता, इसका हाँ निकलता है कभी, सही बात है, कहती है कभी मम्मी हाँ रोटी ला दो, हाँ ला दो, सही बात है, क्लास लग रही है चेशु की। कभी नहीं खाती रोटी पूरी, सच्ची मैं बहुत तंग रखा इस लड़की ने, कोई बात नहीं, बच्ची है, बच्ची छोटी सी नाजुक सी बच्ची, बाद में पता चलेगा, बच्ची जब बिल्कुल खाना पीना बंद कर देगी ना भाई, मेन मेन चीजें खाएगी, देखो फैन फैन खाया इसने, देखो। वह बच्ची हमको ऐसे चाय दे दी है और खुद फैन के साथ चाय पीकर आई है। तो पड़ा है तो सॉरी, मैं तूने कहा था एक ही फैन पड़ा है, नहीं दो पड़े थे, अच्छा फिर मुझे क्यों, एक क्यों खाया नहीं, फिर एक आपके लिए रख दिया मैंने, एक मैंने खा लिया, चलो पापा कहते हैं मैं नहीं खाता, मैं तो ऐसे पीऊंगा चाय, मैंने ठीक है, तो भैया लेकर मेरे को खाली चाय पकड़ा दिया, फैन देना चाहिए ना साथ में,
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਚ ਇਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਤਾਓ ਕੌਨ ਸੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਪਕੜਾਉਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬਤਾਓ ਬੇਟਾ तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ में कैसे हो सकता है बेटा? तीसरा हाथ है ही नहीं। दो ही हाथ होते हैं इंसान के तो, है ना? तो आप के ये फोन है। ये मुंह है। प्लेट बटन ले जाओ। दिमाग देखे। पापा। वे प्लेट में पड़ा मुंह में ले जाओ। हाँ बेटा। आप फोन रख दो फिर फैन और ये ले जाओ। सही कह रही है, देखो समझदारी वाली बात कर दी है। तो मैंने हंसी की बात करी है। इसने हंसी वाली बात करी है क्योंकि मुझे हंसाना है। क्योंकि इसको हंसाना है। कॉमेडियन बनेगी? हाँ। कॉमेडियन बनेगी? चलो हमारे घर से तो कोई कॉमेडियन निकले भाई। और इधर गाइस मेरा फैन आ चुका है, तभी ये ऐसे चाय यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर, और ये फैन इधर, ये हमारा खाता जो है वो रखते हैं यहाँ पर, और इधर फैन लेते हैं और फिर चाय के अंदर डुबा डुबा के खा लो। तो गाइस ये देखो, ये हमारे फैन ने डुबकी लगा ली है और इधर मैं तो इंतजार करती रह गई दुकान पे बैठती, मैं कहा चाय आएगी आएगी आएगी, अब भाई अब भाई, फिर आ गए पापा आए, मैं पापा चाय पियोगे? कहते हैं पियूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया है जो कभी मेरे को देते। तो गाइस अभी मैं गया था मार्केट और मार्केट के जितने काम थे सारे कराया, और इधर आ गया अभी हमारी गर्मा गर्म से खिचड़ी, और इधर चेशु जानू की भी आ गया, चेशु जानू खा भी बैठी है अभी, और इधर शिल्प खा रहे हो, और इधर शिल्पा के भी आ गए भी खिचड़ी, तो अभी खिचड़ी खा लेते हैं और फिर आप सभी के कमेंट पढ़ेंगे और उनका जवाब देंगे। भाई कौन आया? और बाहर मम्मी आ गए आ गए आ गए। कौन आया? मम्मी मम्मी दादी दादी आया। तो भाई उधर आ गए हैं, देखो 1 2 3 रोगी भाई एंट्री मम्मी की। खिचड़ी खा लो मम्मी, खाओ। पापा भी आएगा? तो भाई मम्मी आया भी घर देखने कैसा बनाया, सही बन गया? बढ़िया बन गया, सही है।